नमस्कार, स्वागत है आपका एम राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिवसीय प्रवास पर जयपुर में। शाह ने प्रदेश कार्यालय में ली सांसदों और विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक। प्रभुजनों से भी हुए रूबरू। कांग्रेस पर भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनाने का ऐलान। अमित शाह को दिलाया भरोसा। कहा, आपके नेतृत्व में फिर से खिलाएंगे कमल। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद। यूको बैंक के बाद मुथूट फाइनेंस को बनाया निशाना। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटा करोड़ों का सोना। राजसमंद में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और डंपर की टक्कर में 2 की मौत, 6 गंभीर घायल। NH 8 पर हुआ हादसा, घायलों को पहुंचाया अस्पताल। रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग के साथ रेप का है आरोप। आरोपी हरिमोहन मीणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जयपुर पहुंचने पर सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शाह का एयरपोर्ट पर ही बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजस्थानी तरीके से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शाह को शाही तरीके से वाहनों के जुलूस के साथ पार्टी मुख्यालय पर लाया गया। इस दौरान भी जगह जगह उनका स्वागत किया गया। पार्टी को उम्मीद है कि शाह के दौरे से पार्टी में और मजबूती आएगी, और एक रिपोर्ट है इसके ऊपर। शाह करेंगे 3 दिन प्रवास। मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की ली बैठक। पार्टी पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों की भी ली बैठक। शाह के दौरे से पार्टी में आएगा जोश। हजारों युवाओं ने भाजपाई साफे पहनकर वाहन रैली के साथ की अगवानी। 8 स्थानों पर हुआ स्वागत। शाह ने गांधी जी और अंबेडकर को किया नमन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का राजस्थान में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शाही स्वागत किया। शाह के साथ काफिले में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी साथ आए। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही महिला मोर्चा की हजारों कार्यकर्ताओं ने शाह के काफिले पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान महिलाओं का घूमर नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। महिलाओं ने भी एक जैसी साड़ियां पहनकर एकता का परिचय दिया। शाह का 8 स्थानों पर पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। शाह ने गांधी सर्कल पर महात्मा गांधी और अंबेडकर सर्कल पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम वसुंधरा राजे ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान भी लोगों ने शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे जयपुर शहर को बीजेपी और शाह, मोदी के झंडे, बैनर, पोस्टर से लाद दिया गया है। पार्टी मुख्यालय पर मुख्य द्वार पर राजस्थानी कलाकारों ने नृत्य कर उनकी अगवानी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। शाह बीजेपी मुख्यालय में 3 दिन प्रवास करेंगे। इस दौरान शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, संगठन और सांसदों, विधायकों और सभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती देगा।
प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी इकाई है वो मैक्सिमम जो प्रोग्राम इनके तीन दिनों में लिए हैं उससे मैक्सिमम जो समन्वय स्थापित करने का काम करके और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने का ये बड़ा एक विषय है और मुझे लगता है निश्चित रूप से पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसकी जिस तरह की जिम्मेदारी वो निभा रही है वो आज का कार्यक्रम और पिछले कई दिनों से जो अमित शाह जी जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका पूरा देश भर में जो प्रवास चल रहा है वो दिखाता है जिम्मेदारी क्या होती है। एक टीम की तरह अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है और किसी लक्ष्य तक उस टीम को पहुंचना होता है तो टीम को आपस में बैठकर चर्चा करनी पड़ती है और अपनी अपने खुद की जो एफिशिएंसी है काम करने का जो तरीका है उसको और निखारना पड़ता है, सुधारना पड़ता है ताकि हम जनसेवा में और बेहतर तरीके से लगे, न केवल सरकार बल्कि हमारे सारे कार्यकर्ता जनसेवा में लगे। इस देश को अगर बदलना है और जो बदलना शुरू हो चुका है उस देश को बदलने के लिए इस तरह की मुहिम होनी बहुत जरूरी है। अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचते ही ई लाइब्रेरी और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। शाह ने पहली बैठक केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों की। इस बैठक में राज्य और कैबिनेट दोनों स्तर के मंत्री उपस्थित रहे। दोपहर भोज के बाद सांसदों, राज्यसभा सदस्यों, प्रदेश पदाधिकारियों, सभी मोर्चों के अध्यक्षों, प्रकोष्ठों और संकल्पों के अध्यक्षों से मुलाकात की। उन्होंने संगठन और सरकार के कार्यों की जानकारी ली। बीजेपी के दूसरे नेताओं का कहना है कि जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तीन दिन प्रवास करता है तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत है, इसका निश्चित तौर पर हमें फायदा मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का 100 से अधिक दिनों के ये दौरे हैं जिनमें वो विभिन्न राज्यों में दो दो दिन का प्रवास करके बैठ के ले रहे हैं। मैं नहीं समझता किसी दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना समय लगाकर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगा। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित हो रहा है, जो विधायक हैं, जो सांसद सदस्य हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनसे सीधा उनकी समस्याएं पूछी जा रही हैं, उनको क्या करना है इसके बारे में आगे बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरे देश के अंदर ये देख रहे हैं कि भी सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और उसके साथ साथ सुशासन स्थापित हो। अमित शाह तीन दिन तक राजस्थान प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान उनका साधु संतों, सामाजिक संगठनों और प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि अमित शाह का ये प्रवास पार्टी और सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के प्रदेश नेताओं को उम्मीद है कि ये वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों के मिशन 180 और लोकसभा चुनावों में मिशन 25 का रास्ता तय करेगा। A1 टीवी के लिए नीरज मेहरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भरोसा दिलाया कि आने वाले चुनाव में आपके नेतृत्व में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। वे बिड़ला सभागार में आयोजित प्रभु जन सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। राजे ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, कांग्रेस मुक्त राजस्थान, खुले में शौच मुक्त राजस्थान बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान से कांग्रेस साफ हो जाएगी और बीजेपी को पर्याप्त बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी 36 कौम को साथ लेकर प्रदेश में काम कर रहे हैं। टीम राजस्थान के दम पर फिर से राजस्थान में और देश में कमल खिलेगा। इस दौरान सीएम राजे ने राजस्थान सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों पर भी फहरिस्त रखी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश में बीजेपी एक जैसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र बरकरार है। वे शुक्रवार को जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित बीजेपी के प्रभु जन सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्हें कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
शाह ने कहा कि ये बीजेपी ही है जहां एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। बीजेपी में अगले अध्यक्ष के बारे में कोई नहीं बता सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सबको पता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। शाह ने प्रभुजनों से बीजेपी के लिए सहयोग मांगा है। सम्मेलन में सीएम राजे, प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए प्रभुजन मौजूद रहे। सम्मेलन को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी संबोधित किया। हमारे गर्व है हमारे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जिन्होंने और जिनके द्वारा पार्टी को आगे ले जाते हुए नए कीर्तिमान छूने का काम किया है। राजस्थान की इस वीर भूमि पर आज हमारे सब प्रदेशवासियों की ओर से आपका मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। आपका ही कुशल नेतृत्व है जिसने ऐसे ऐसे चीजों को करके दिखाया जो लोगों ने यह सोचा था कि हो ही नहीं सकता। जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं, तब से सुशासन की तरफ ले जाने का काम और ऐसे असंख्य काम जिनको हमने सोचा था कि कभी हो नहीं सकते हैं उनको पूरा करने के, जिसमें उत्तर प्रदेश की भारी जीत आप लोग सबके सामने है। राजधानी में शुक्रवार को दूसरे दिन भी बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जयपुर के मानसरोवर में रजत पथ चौराहे पर मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में दो बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर करोड़ों रुपए का सोना लूट लिया है। बदमाशों ने करीब आधे घंटे तक वहां रुककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अनुसार दोपहर करीब 1 बजे लंच टाइम में एक व्यक्ति गोल्ड लोन लेने के नाम पर दफ्तर में दाखिल होता है। इसके बाद वो वहां जो मौजूद एक महिला कर्मचारी से लोन लेने की बात करता है। महिला कर्मचारी उस बदमाश को लोन लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देनी शुरू कर देती है। इसी दौरान पीछे से आए उसके दूसरे साथी ने महिला कर्मचारी को बंदूक दिखाती है ताकि किसी प्रकार का वो कोई शोर ना कर सके और लॉकर रूम की चाबी मांगते हैं। महिला कर्मचारी घबराकर उसे लॉकर की चाबी दे देती है और बदमाश इसके बाद लॉकर से करीब 31 किलो सोना लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और घटना की जांच शुरू करती है। पुलिस दफ्तर के बाहर तैनात एक चौकीदार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मुथूट फाइनेंस कंपनी है यार, जरजबत पे चौराहे पे, तो ये बता रहे हैं कि ये कोई 12:50 के लगभग एक लड़का आया और उसने कहा कि लोन लेंगे और उसी समय दूसरा लड़का आता है और उसके मैनेजर साहब के पिस्टल लगा देता, हेलमेट लगा देता, वो तो कहा कि चाबियां दो और चाबियां लेकर जो इनका लॉकर है उसमें लॉकर में जाकर सामान निकाल कर लेके गए। यूं बता रहे हैं अंदर 3 लड़के अंदर थे और 1 बार था। धौलपुर में मिट्टी का तेल डालकर विवाहिता को जलाने का मामला सामने आया है। गांव की महिला से अवैध संबंध के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मृतका के भाई ने पड़ोसी महिला के साथ पति के अवैध संबंधों के चलते बहन को जलाकर मार देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामला दिहोली गांव का है।
पुलिस के मुताबिक सूचना पर थाना प्रभारी परशुराम शर्मा मय जब्त के मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही मृतका के पीहर पक्ष के लोग भी दिहोली गांव पहुंच गए। मृतका के भाई रामहित ने थाने पर दी तहरीर में बताया कि मेरी बहन अवैध संबंध के चलते परेशान थी। वारदात से पहले आरोपी मृतका के साथ मारपीट भी करता था। इतना ही नहीं, आरोपी मृतका को जान से मारने की धमकी भी देता था और आखिरकार आरोपी ने मृतका को कमरे में बंद कर मिट्टी का तेल डालकर उसके आग लगा दी। सुमेरपुर उपखंड के तखतगढ़ कस्बे के नेशनल हाईवे के फाना रोड स्थित डोलावीरा मंदिर के पुजारी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। कमरे में सोते हुए उन पर लाठियों से सिर पर वार कर हत्या कर हमलावर भाग निकले। पुजारी की हत्या की जानकारी लगते ही परिजन सहित मीणा समाज के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना पर पहुंचे थाना अधिकारी भगाराम मीणा ने कमरे में पड़े शव का मुआयना किया। मामला गंभीर होने पर पाली से FSL की टीम बुलाई गई। पुलिस ने घटना से 3 किलोमीटर तक की जांच पड़ताल की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। भरतपुर में नेशनल हाईवे संख्या 11 पर एक ट्रोले ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला सहित एक मासूम बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला RBM अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड निवासी एक वृद्ध दंपति अपनी नातिन को लेकर बाइक से हाईवे पर जा रहे थे, तभी सारस चौराहे के आगे एक निजी होटल के समीप एक ट्रोले ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला और बच्ची के शव को चिथड़े उड़ गए। राजसमंद में सड़क हादसे में रोडवेज बस व डंपर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 जने घायल हो गए हैं। जिले के चारभुजा सर्किल के नेशनल हाईवे पर अमरतिया के पास रोडवेज बस की डंपर से भिड़ंत हो गई, जिसमें डंपर और रोडवेज बस के परिचालक की मौत हो गई। वहीं बस में 30 सवारियां बैठी थी। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर थाना पुलिस ने रेप के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्यामपुरा गांव में 1 मार्च को आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसला कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी हरिमोहन मीणा निवासी श्यामपुरा ने अपने ही गाँव की एक नाबालिग को बहला फुसला कर पहले अपहरण किया और बाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी हरिमोहन मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के जामरिया गांव में किसान लालजी चरपोटा की सर्पदंश से मौत हो गई। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था कि सांप ने उसे डस लिया। गंभीर हालत में उसके परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान लालजी आदिवासी की मौत हो गई। अजमेर GRP पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी बलवीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 पर आरोपी बलवीर से स्टेशन पर संदिग्ध गतिविधियों के चलते पूछताछ की गई, जिसमें उसके बैग में भारी मात्रा में डोडा पोस्ट मिला, जिसके बाद पुलिस ने डोडा पोस्ट को जब्त कर लिया है। वहीं साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के बाड़ी सेपो मार्ग पर हाजीपुर गांव के पास सवारियों से भरी निजी बस की स्टीयरिंग फेल होने पर खेत में पलट गई। बस के पलट जाने से बस में बैठी सवारियों में खलबली मच गई, लेकिन गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी 35 सवारियां सुरक्षित बच गई हैं। जानकारी के अनुसार बाड़ी से निजी बस सवारियां लेकर आए सेपोई होते हुए खेरागढ़ के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही बस हाजीपुर गांव के पास पहुंची तो बस की स्टीयरिंग फेल हो गई और बस सड़क से नीचे खेत में पलट गई, जिससे सवारियों में चित्कार मच गई। हादसे को देखकर खेतों में काम कर रहे किसानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बस की खिड़कियां तोड़कर सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला।
गनीमत ये रही कि इतने बड़े हादसे में सभी सवारियां महफूज रही। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में 5 दिन पहले दंपति की गला रेत कर हत्या करने के ब्लाइंड मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस की पूरी टीम इस मामले को सुलझाने में लगी है, जिसके लिए सभी थाना इलाकों के बदमाशों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं दंपति के परिजनों और आने जाने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। धौलपुर में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें ग्रामीण चिकित्सालयों में बायोमेट्रिक से राहत दिलवाने, एक पारी में ड्यूटी और 11 सूत्री मांग पत्र पर बनी सहमति बिंदुओं पर राज्यादेश जारी करने की मांग की है। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि 6 फरवरी और 19 मई को 11 सूत्री मांग पत्र पर बनी सहमति बिंदुओं पर राज्यादेश जारी करने की मांग की गई, अन्यथा संगठन 11 सितम्बर को आंदोलन करेगा। धौलपुर में वृद्ध मतदाता पंजीकरण अभियान की सफलता के लिए निर्वाचन आयोग की मशीनरी के साथ ही सभी का सहयोग आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी शुचि त्यागी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में मीडिया से संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक युवा का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। जो व्यक्ति पलायन कर गए हैं, मृत्यु हो गई है अथवा जिनका नाम एक से अधिक मतदाता सूची में है, उनके नाम काटे जाने चाहिए। लोकतंत्र में एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है। सहायक प्रोफेसर पदों की पात्रता और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आयोजित की जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूजीसी नेट परीक्षा 2017 का नोटिफिकेशन 24 जुलाई को जारी होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। वहीं सीबीएसई इस परीक्षा का आयोजन 5 नवम्बर को करेगा। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। वहीं 30 अगस्त से इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी। वहीं परीक्षा शुल्क 31 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। सीबीएसई की ओर से अंतिम यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 22 जनवरी को किया गया था। इसका परिणाम 29 मई को घोषित किया जा चुका है। परीक्षा के लिए पहले 99 विषय थे, लेकिन पिछली परीक्षा में योगा का 100वां विषय बनाया गया है। अजमेर में हाथीखेड़ा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम कर दिया। बासी में पुलिस ने सख्ती से रास्ता खुलवाया तो ग्रामीणों ने अजमेर विकास प्राधिकरण का घेराव किया। ग्रामीण गांव में आबादी भूमि विस्तार के साथ ही पट्टों की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके इस आंदोलन को प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। राजधानी के चोमू इलाके में दिनभर उमस और गर्मी के माहौल के बीच शाम होते होते आसमान में छाए बादलों ने बरसात की, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कुछ देर हुई बरसात के कारण पूरा शहर भीगा, लेकिन इसके बाद बनी उमस के लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर इस बरसात से किसानों को काफी फायदा माना जा रहा है। किसान अपने खेतों में पैदावार की देखरेख में जुट गए हैं। शाहपुरा स्थित विघ्नहर्ता फाउंडेशन के तत्वावधान में निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श में ब्लड ग्रुप जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। वहीं शिविर में 200 छात्रों को ब्लड ग्रुप की भी जांच की गई है। इस दौरान दंत चिकित्सक डॉक्टर यशवंत चौहान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
फाउंडेशन की तरफ से तत्वाधान में उनके सहयोग से हमने तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बच्चों को जागरूक अभियान के तहत स्कूल अवेयरनेस कैंप के तहत हमने सबको जागरूक किया कि तम्बाकू अपने को इस्तेमाल में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत स्कूल से होती है। सातवीं आठवीं क्लास के बच्चे इस चीज़ को चालू करते हैं और गुटखा तम्बाकू जर्दा बीड़ी सिगरेट खैनी इत्यादि गलत व्यसनों में दुर्व्यसनों में पड़ जाते हैं। उसके बारे में हमने जागरूक किया बच्चों को, उनको शिक्षा दी है कि इससे शरीर में कितनी तरह की बीमारियाँ हो सकती है, पूरा शरीर खोखला हो सकता है, हर तरह के कैंसर हो सकते हैं मुंह का फेफड़ों का और पूरे शरीर को खोखला कर दिया जाता है। जिन बच्चों पे इस देश की नींव रखी है, जिनके कंधों पे देश भविष्य में चलेगा, वो लोग अगर इसी समय पे इस दुर्व्यसनों में ग्रसित हो जाएंगे तो देश को कितना नुकसान हो सकता है, पारिवारिक नुकसान और सामाजिक नुकसान कितना हो सकता है, इसके बारे में बच्चों को जागरूक किया। साथ ही भारत सरकार के जो कोटपा कानून बना हुआ है तम्बाकू नियंत्रण, उसके बारे में शिक्षकों को, बच्चों को, प्रिंसिपल साहब को और आसपास की जनता को जागरूक हमने आज इस कार्यक्रम के तहत किया। कोटा ट्रैफिक पुलिस के लिए रास्ते में खड़े वाहनों का उठाना अब आसान हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के लिए नई हाइड्रोलिक क्रेन कोटा पहुंच चुकी है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को शहर पुलिस अधीक्षक अंशुमान भूमिया ने किया। यह हाइड्रोलिक क्रेन मुंबई में करीब 15 लाख की लागत से तैयार हुई है। वहीं क्रेन में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, जिसकी मदद से पहले रास्ते में खड़े वाहनों को फुटेज लिया जाएगा, उसके बाद उसे उठाया जाएगा, जिससे वाहन के मालिक को सबूत दिखाने में आसानी रहे। शेठी आयोग की रिपोर्ट और वेतन विसंगति की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। अजमेर में अपनी मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने कोटा परिसर में प्रदर्शन किया और मांगे नहीं मानने तक सामूहिक अवकाश जारी रखने की चेतावनी दी। वहीं रविवार को हाईकोर्ट द्वारा की जा रही भर्ती परीक्षा में ड्यूटी करने का फैसला लिया गया है, हालांकि इस दिन वे भोजन नहीं करेंगे। हमारे सेटी कमीशन लागू करने की मांग है, तो पिछले साल फरवरी में स्ट्राइक की थी हमने, तो आश्वासन पे हमने तोड़ दी थी उसको, लेकिन डेढ़ साल से कोई सुनवाई नहीं की गवर्नमेंट ने, इसलिए दोबारा हम सामने अवकाश पे चल रहे हैं अभी। लेकिन अभी जो हाईकोर्ट भर्ती कर रही है अभी, उसके अंदर सभी जो है कैंडिडेट बैठे हैं, उनकी भावनाओं को देखते हुए और आम जनहित की भावनाओं को देखते हुए हम कर्मचारी संघ ने आज साधारण सभा में यह तय किया है, निस्वार्थ भावना से बिना किसी लोभ लालच के इस कार्यक्रम के अंदर हम अपनी कर्तव्य की आहुति देंगे। जयपुर में सिस्किम स्थित एक होटल में ब्लूम फेयर का आयोजन किया गया। ब्लूम फेयर इवेंट एंड प्रोडक्शन कंपनी के डायरेक्टर अहमद कबीर शानदार ने बताया कि ये प्रतिभाशाली युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रदेशों से कलाकारों का चयन किया जाएगा जो अभिनय, मॉडलिंग, नृत्य तथा फिल्मों से जुड़ी अन्य विधाओं में महारत है। वहीं ब्लूम फेयर का दूसरा संस्करण 12-13 अगस्त को जयपुर में किया जा रहा है। जैसे ही आपने ये प्रोग्राम के बारे में जो उसका है कि ब्लूम फेयर वे टू बॉलीवुड, सो एक ये कबीर भाई ने जो एक और मैम ने जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसके थ्रू वी कैन जो नए जो उभरते हुए कलाकार है या जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ से उनको एक बॉलीवुड की तरफ जाने का एक रास्ता मिले। एक क्योंकि यूजुअली जो है जो स्ट्रगलर्स आते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से जो बॉलीवुड में आते हैं जो स्ट्रगल करने आते हैं जो एक एक्टर्स होते हैं जिसको करेक्ट वे नहीं मालूम होता कि अप्रोच कैसे किया जाए बॉलीवुड को और भटकते रहते हैं उन लोग यहाँ वहाँ, तो ब्लूम फेयर एक जरिया है जहाँ से उनको एक करेक्ट प्लेटफॉर्म और एक करेक्ट चैनल मिलेगा जहाँ से दे विल बी गाइडेड। भरतपुर में शुक्रवार को कपड़ा व्यापारियों की वाणिज्यकर अधिकारियों के साथ जीएसटी पर सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी के सभी बिंदुओं पर बारीकी से बात की और व्यापारियों के संबंध में आने वाली कठिनाइयों में शंकाओं को समाधान किया है। सी अतुल मित्तल तथा सहयोगी ने प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन दिया।
भरतपुर में वृहद मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत 22 जुलाई को विशेष कार्यक्रम होगा। मतदाता सूची से वंचित हुए मतदाताओं को जोड़ने के लिए नगरीय क्षेत्रों में विशेष वार्ड सभाएं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी जैन ने बताया कि 1 जनवरी 2017 को 18 साल के हुए करीब 60,000 युवा मतदाताओं का पंजीकरण नहीं हो सका है, जिन्हें मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाना है। भरतपुर में सड़क सुरक्षा वृद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत राजा मानसिंह सर्किल से वाहन एवं पैदल रैली को पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार टांग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नानूराम चायल ने बताया कि रैली का समापन सेंट पीटर विद्यालय में कार्यशाला के रूप में किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार ने सड़क सुरक्षा संबंधी विचार प्रकट किए तथा सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता पर जोर दिया गया है। कार्यशाला में जयपुर से आए कलाकारों द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी नाटक का मंचन एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जयपुर के बनीपुर की स्थित हरकेश भवन प्लांट नंबर 24 में फ्लैट में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग बेसमेंट स्थित जनरेटर पैनल में लग गई है। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने फ्लैट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि आग से एसी में भी शॉर्ट सर्किट होने से कई धमाके हुए। राजधानी के चोमू स्थित बराला अस्पताल ने जयपुर जिले के लालासर गांव में पैदा हुए एक जन्म से अंधे बच्चे को रोशनी लौटाकर बच्चे के जीवन में रंग भर दिया है। 8 वर्षीय अंधे बच्चे बाबूलाल को उसके परिजनों ने जयपुर एसएमएस सहित कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कहीं भी उसको सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद परिजनों ने चोमू के बराला अस्पताल में बच्चों को दिखाया, जहां पर डॉक्टर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में नेत्र चिकित्सकों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर बच्चे को रोशनी लौटाई है। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बराला अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर हनुमान बराला ने बताया कि बच्चे को जन्म से ही मोतियाबिंद था। चिकित्सकों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया और लेंस डालकर बच्चे को रोशनी लौटाई है। चूरू जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने में अभी भी जिला पिछड़ा हुआ है। हालांकि 15 जुलाई तक चले अभियान के प्रथम चरण के बाद जिला प्रदेश में 28वें से 8वें स्थान पर पहुंचा है, लेकिन मतदाता नामांकन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग असंतोष जाहिर कर चुका है। मतदाताओं की सूची में नाम जोड़ने को लेकर 15 से 31 जुलाई तक वृहद पंजीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ललित गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर अभियान के दूसरे चरण के बारे में जानकारी दी। हमारे जनसंख्या के हिसाब से जितने होने चाहिए थे युवा मतदाता, उसके मुकाबले में काफ़ी कम थे। जनसंख्या में 4% से कुछ ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि यह आंकड़ा 1% से भी कम था मतदाता सूची में। तो इसको गैप को भरकर भरने की वजह से वो अभियान चलाया गया था, उसमें लगभग 59% की हमने उपलब्धि अर्जित की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब चुनाव आयोग ने पूरे देश में युवा ये जो है वृहद पंजीकरण अभियान चलाया है। इसमें मुख्य रूप से 3 ग्रुप को टारगेट किया है। एक तो वही युवा मतदाता जो वंचित हैं जनसंख्या के हिसाब से, जिनकी जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उस गैप को भरने के लिए। और एक जो महिलाओं का जो प्रतिशत है वो मतदाता सूची में कम है, जनसंख्या में ज़्यादा है, उसके गैप को भी फिलअप करने के उद्देश्य से। और एक तीसरा यह था कि जो मतदाता बोगस मतदाता है, उस बोगस मतदाता इस सेंस में है कि जो यहाँ रहते थे पहले, फिर बाहर रहने चले गए हैं, वहाँ रहते नहीं हैं, या किसी मतदाता की मृत्यु हो गई उसका नाम अभी भी चल रहा है, या वो पलायन कर गए, इस प्रकार के मतदाताओं के नाम सूची से हटाएं। राजधानी के चोमू इलाके में दिनभर उमस और गर्मी के माहौल के बीच शाम होते होते आसमान में छाए बादलों ने बरसात की है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कुछ देर हुई बरसात के कारण पूरा शहर भीगा, लेकिन इसके बाद बनी उमस ने लोगों को बेचैनी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर इस बरसात से किसानों को काफी फायदा माना जा रहा है। किसान अपने खेतों में पैदावार की देखरेख में जुट गए हैं।
नागौर के डीडवाना के बांगड़ राजकीय कॉलेज के बीयूपी के छात्रों ने कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर टायर जलाकर रोष प्रकट किया है। सीमित सीटें होने के कारण 2100 से अधिक विद्यार्थी अभी प्रवेश के लिए कतार में खड़े हैं। इन विद्यार्थियों को सीटें बढ़ने से ही प्रवेश की उम्मीद है। दूसरी ओर कॉलेज में प्राप्त प्रावधानों की संख्या को देखते हुए छात्र संगठन लगातार सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सीटें बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं दिए गए। ऐसे में एबीवीपी की ओर से आगामी 25 जुलाई तक इंतजार करने की बात कही गई है। इसके बाद यानी 26 जुलाई को आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी गई है। बांगड़ महाविद्यालय नागौर जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। यहाँ पर 5000 से ज्यादा नियमित विद्यार्थी हैं, जिसके अंदर 1400 सीटें हैं और बाकी के 2139 विद्यार्थी हैं वो अभी भी प्रवेश से वंचित रह रहे हैं। ज्यादातर विद्यार्थी ग्रामीण इलाके से हैं, उनके पास न तो पढ़ाई की कोई साधन है ऐसा और न वो उन्नत परिवार से हैं। इसके कारण निजी विद्यालयों में उनको प्रवेश लेना पड़ रहा है, परंतु निजी विद्यालयों में मोटी फीस के कारण वो प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण उन पर उनका अध्ययन पर संकट मंडरा रहा है। एबीपी ने पूर्व में भी 3-4 ज्ञापन दिए थे, लेकिन फिर भी कॉलेज प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की थी। वर्ष 2013 में भी एबीपी ने कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर आमरण अनशन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कॉलेज प्रशासन ने सीटें बढ़ाई। अगर 25 तारीख तक सीटें नहीं बढ़ती है तो 26 तारीख को एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता और छात्र नेता कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर आमरण अनशन करेंगे। अगर इस दौरान किसी भी छात्र की तबीयत बिगड़ती है या छात्र को कुछ भी होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। जैल में सिविल न्यायालय के क्रामिकों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरना दिया है। सिटी आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांगों को लेकर क्रामिकों ने धरने पर बैठकर नारेबाजी की। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर धरना भी दिया गया है। बारा के कस्बा थाना में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर पौधारोपण का अभियान चला रही है, वहीं कस्बा थाना सानवाड़ा थुआ आदि गांव में दिन दहाड़े गोचर भूमि पर लगे पेड़ों पर कुल्हाड़ियां चलाई जा रही हैं। ऐसे में इन पेड़ों को काटकर भूमि को खेती के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही के चलते जंगल से हरियाली गायब होती जा रही है। लोग दिन दहाड़े प्रशासन से बेखौफ होकर गोचर भूमि पर लगे हजारों पेड़ों को काटकर जमीन खेती योग्य बना रहे हैं। इन सबके बावजूद प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। करौली में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित हुई है, जिसमें जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार ने कहा कि मतदाता मतदान सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस अभियान को मजबूती देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि एक भी व्यक्ति का मत नहीं रुक सके। जयपुर के जोबनेर में पिछले 10 सालों से बस स्टैंड पूरी तरह बंद पड़ा है, जबकि 2004 में बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था, लेकिन निर्माण के बाद से ही सरकार और प्रशासन ने इसकी सूद तक नहीं ली है। ऐसे में बसें आम रास्ते पर खड़ी हो जाती हैं, जिसे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों की ओर से नगर पालिका को इस बारे में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन पालिका प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। सब्जियों के दामों में इन दिनों बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बाजार में इन दिनों टमाटर के सस्ते अनार मिल रहे हैं। इन दिनों खेतड़ी बाजार में टमाटर 80 से 90 रुपए किलो के भाव में मिल रहा है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। सब्जी बनाने में एक टमाटर से काम चलाना पड़ रहा है। वहीं सब्जी मंडी के थोक विक्रेता गिरिराज सैनी ने बताया कि इस समय देसी टमाटर की फसल नहीं हो रही, इस कारण से हिमाचल से टमाटर आ रहे हैं। थोक में टमाटर 45 से 65 रुपए किलो मिल रहा है। मार्च अप्रैल तथा नवंबर में देसी टमाटर की फसल होती है, तब टमाटर सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध होते हैं। वहीं गृहिणी शांति देवी का कहना है कि पहले सब्जी में 3 टमाटर डालते थे, जबकि अब एक से ही काम चलाना पड़ता है, इससे सब्जी का स्वाद बिगड़ गया है। टमाटर के बढ़ते भाव के कारण काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है।
भरतपुर में राजस्थान रोडवेज और स्वीट डिजायर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे कार में बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह मामला कुम्हेर थाना क्षेत्र के बोरई गांव के पास का है, जहां पर राजस्थान रोडवेज की बस भरतपुर से कामा जा रही थी। वे कामा से कार भरतपुर आ रही थी, तभी बोरई के पास किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ। भरतपुर के नंदबई में करंट लगने से रोनीजा निवासी एक युवक की मौत हो गई है। रोनीजा निवासी देवव्रत बोरिंग पर काम कर रहा था, इसी दौरान उसे करंट लग गया, जिससे वह बेहोश हो गया। परिजनों ने बेहोशी की हालत में युवक को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीकर के फतेहपुर के NH-65 हाईवे खड़ी गांव के पास सुबह तड़के लोहे के सरियों से भरा ट्रक पलटने से चालक परिचालक की मौत हो गई है। पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया, तो पुलिस ने दोनों के शवों को चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया है। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी लगने के बाद यह हादसा हुआ। दोनों मृतक पंजाब के पटियाला के आगोल गांव के निवासी हैं। वे चंडीगढ़ से लोहे के सरिये लेकर हैदराबाद जा रहे थे। सीकर के फतेहपुर में जगह जगह पानी की पाइप लीकेज होने के कारण हजारों लीटर पानी रोज बह जाता है, लेकिन विभाग इन लीकेजों को ठीक नहीं कर पा रहा। लीकेजों से कॉलोनी वासियों को पानी नहीं पहुंच पाता। वहीं धानुक अस्पताल के बाहर छतरियां बस स्टैंड के पास लीकेज होने से पानी दिन भर बहता रहता है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते कई माह से इन लीकेजों को सही नहीं किया जा रहा। ऐसे में पानी की बर्बादी हो रही है। सीकर के फतेहपुर में SDM देविका तोमर ने शुक्रवार को पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, जिसमें युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 22 और 23 जुलाई को बूथ स्तर पर BLO बैठकर नाम जोड़ेंगे। वहीं SDM की टीम शनिवार से शहर के वार्डों में जाकर नए मतदाताओं को नाम जोड़ने की अपील करेगी। वहीं जिन BLO का कार्य खराब है, उन्हें नोटिस भी दिया जाएगा। फतेहपुर के गोयनका शक्ति मंदिर में शुक्रवार को श्री शिव देवी प्रसाद गोयनका फाउंडेशन मुंबई द्वारा सरकारी स्कूलों के लगभग 500 बच्चों को तुलसी के पौधे बांटकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया है। हिंदू संस्कृति में तुलसी के पौधे के पूजन का एक अलग विशेष महत्व है। 300 बच्चों को पुस्तक और 100 बच्चों को स्कूल गणवेश का वितरण किया गया। बाड़मेर के पचपदरा के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में लगभग 400 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन विद्यालय आने जाने के लिए सड़क नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। कई बार तो छात्रों से भरी टैक्सी भी पलट जाती है। वर्षा के समय तो पैदल भी मुश्किल हो जाता है आना जाना। भरतपुर जिले के जोरहरा थाना अंतर्गत पुलिस से मिलकर आ रहे कुछ लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार खेड़ी अलीमुद्दीन निवासी संपतवी खां ने 2 महीने पहले गांव के साहब खां के खिलाफ फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का मामला दर्ज करवाया था और 17 जुलाई को साहब खां ने संपतवी व उसके साथ दे रहे लोगों के खिलाफ अपनी पुत्रवधू व पुत्री से छेड़छाड़, अपहरण और बलात्कार करने का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद 20 जुलाई को संपतवी और गांव के अन्य 50-60 लोगों को लेकर ASP डीक सुरेंद्र सिंह कविया से मिलने गए और देर रात्रि वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी पर लोगों ने हमला कर दिया और पूरी बोलेरो गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया।
खेतड़ी में 1 जुलाई से चल रहे मतदाता पंजीकरण अभियान की चाल धीमी रहने पर उपखंड अधिकारी ने ब्लॉक के सुपरवाइजरों की मीटिंग बुलाई है। 31 जुलाई तक चलने वाले अभियान का कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में एसडीएम संजय कुमार ने सुपरवाइजरों के साथ मीटिंग ली। एसडीएम ने मीटिंग में बताया कि युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए लक्ष्य पूर्ण करने के आदेश भी दिए गए हैं तथा 31 जुलाई को सभी सुपरवाइजरों को रिपोर्ट बनाकर पेश करने के आदेश दिए गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।